हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हरी मिर्च फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ। सिर्फ 2 मिनट में ये हरी मिर्च बनकर रेडी हो जाती है और आप इसको हरी मिर्च की सब्जी की तरह या फिर अचार की तरह कैसे भी खा सकते हैं। कैसे इसको बनाना है मैं आपको सिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ली है मोटी वाली हरी मिर्च। ये 200 ग्राम हरी मिर्च है जिसको मैंने अच्छे से धोकर पोंछ लिया और इसके बाद में इसकी डंडी को इस तरह से रिमूव करना है। इसके बाद में इसको हम लेंथ वाइज इस तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर सारी हरी मिर्च को मैंने इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है। अगर आपके पास मोटी वाली हरी मिर्च नहीं है तो आप पतली वाली हरी मिर्च भी ले सकते हैं। मोटी वाली हरी मिर्च थोड़ी कम तीखी होती है और पतली वाली ज्यादा तीखी होती है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं हरी मिर्च की सब्जी, जिसके लिए मैंने ली है एक कढ़ाई। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून डाला है सरसों का तेल। तो सरसों के तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिए और फिर इसमें 1 चम्मच राई ऐड करनी है हमें। राई को हमें अच्छे से चटकने देना है। जब ये अच्छे से चटकने लगे, फूटने लगेगी, उसके बाद ही हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राई अच्छे से चटकने लगी है, तो इसमें 1/2 छोटी चम्मच हम ऐड करेंगे जीरा। इसको भी अच्छे से भुन जाने दीजिए। इसके साथ ही हम इसमें 2 पिंच हींग ऐड करेंगे। हींग से भी हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो फ्लेम हमारी हाई है, हाई फ्लेम पर ही हमने तड़का लगाया और इसमें हरी मिर्च ऐड कर दी। तो इसको हम लगभग 2 मिनट तक इस तरह से सौटे करेंगे हाई फ्लेम पर। इंटरवल्स पे आप इसको चलाते रहिए, लगातार चलाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी जब ये नीचे से सिक जाएगी उसके बाद में इसको वापस से चलाइए। देखिए, 1/2 छोटी चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कलौंजी। तो इससे भी हमारी हरी मिर्च का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। मिक्स कर लिया इसको भी मैंने। अब आंच को मैंने स्लो कर दिया है। फ्लेम को स्लो करके इसमें 1 से 1.5 चम्मच सूखा धनिया डाला है। 2 से 3 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे सौंफ का पाउडर। सौंफ मैंने ली और उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया, दरदरा पीस लिया और उसको ऐड कर दिया। तो फ्रेंड्स, हमें सौंफ अच्छी क्वांटिटी में ऐड करनी होती है। साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है हमें, तो अगर आपकी मिर्च बहुत ज्यादा तीखी नहीं है तभी ऐड करें, वरना स्किप कर दें। साथ ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे, तो 1 चम्मच सफेद नमक और लगभग 1/2 चम्मच मैं इसमें काला नमक ऐड करूंगी। तो काले नमक से टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, इसलिए कॉम्बिनेशन में ऐड करें। अगर आप इस सब्जी को बना रहे हैं, यानी कि हरी मिर्च की अगर सब्जी के फॉर्म में बना रहे हैं, तो आप थोड़ा सा नमक कम रखें। मैंने जितना डाला है उतना ही डालें। और अगर आप इसको अचार की तरह बना रहे हैं, तो आप इसमें 1/2 छोटी चम्मच काला नमक और बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, अच्छे से मैंने मसालों को मिक्स कर दिया। फ्लेम को यहाँ पर मैंने लो मीडियम रखा है और इसको हम ढक देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद में ढक्कन मैंने हटा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हरी मिर्च थोड़ी सी सिक चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है, डार्क हो चुका है और सॉफ्ट हो चुकी है हरी मिर्च। तो आपको जितना सॉफ्ट करना हो हरी मिर्च को, तो आप उसी हिसाब से इसको ढककर कुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस अचार को मैंने एक बोल में निकाल लिया है। इस पर हम डालेंगे लास्ट में नींबू का रस। तो 1/2 नींबू का रस आप इस पर निचोड़ दीजिए और आप इसको फटाफट से लंच या डिनर में रोटी पूरी पराठे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस लगता है अचार। और आपको अगर आपके खाना बिल्कुल बोरिंग लग रहा हो, उसमें कोई भी जान ना लग रही हो, तो आप ये अचार बनाकर 2 मिनट में खा सकते हैं। जब आपने खाने को सर्व भी कर दिया हो, इवन टेबल पर हो आप, तब भी आप इसको फटाफट से किचन में जाकर आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए, तैयार है हमारा हरी मिर्च फ्राई, हरी मिर्च की सब्जी, हरी मिर्च का अचार, जो भी आप इसको बोलें। और आप इसको बनाइए, छोले भटूरे के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको अपने घर में बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। कैसी लगी आपको रेसिपी लिखकर जरूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।